आज 25 मई यौम में तकरीमे शोदा है। मेरे बाबा बहुत बहादुर थे, मुझे अपने बाबा की शहादत पर फ़ख्र है और मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद इकबाल बल की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तकरीम शहदा डे 25 मई यौम तकरीम शहदा के हवाले से तकरीबात जारी हैं। पुलिस लाइन व थाना जात की मसाजिद में कुरान खानी की गई और पुलिस दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी दी। पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर फूल निछावर किए गए। मुल्क व कौम और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। टोबा टेक सिंह यौम तकरीम शहदा भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। DPO आरिफ शहबाज खान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्की सलामती के लिए दुआ मांगी। यौम तकरीम शहदा के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स टोबा टेक सिंह में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज़ पुलिस लाइन और थाना जात की मसाजिद में शहदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी से किया गया। कुरान खानी के बाद पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर शहदा को पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह आरिफ शहबाज खान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब उस्मान अनवर की खसूसी हिदायत पर टोबा पुलिस की तरफ से ज़िला भर के शहदा की कब्रों पर फूलों के गुलदस्ते रखे गए और सलामी पेश की गई। शहीदों के वर्सा ने पंजाब पुलिस के इस इकदाम को सराहा और अपने ख्याल का इजहार किया। आज भी इस मौके पर बड़ा अच्छा काम किया जी, बड़े अच्छे तरीके से सलामी दी गई है। मोहम्मद वकास, मैं आपका वालिद हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाह तेन जन्नत फरदौस में जगह फरमावे। आज यौम तकरीम शहदा है। मेरे वालिद 13 जून 2016 में शहीद हुए। पुलिस मुकाबला पीर महल में हुआ था जिधर शहीद हुए थे, और मैं प्राउड करता हूं कि मैं उनके घर से, उनके ख़ानदान से तल्लक है, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में मैं भी पंजाब पुलिस ज्वाइन करूंगा। यौम तकरीम शहदा के मौके पर शहदा के दर्जात की बुलंदी और पाकिस्तान की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गई। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें समाज TV। शुक्रिया।